गाइस मैं आ चुका हूँ मानिक चौक। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के प्लान ऐसा है कि मैं आया हूँ झांसी और झांसी से ब्लॉग शूट हो रहा है। अभी प्रॉपर झांसी नहीं पहुँचे, अभी 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। अभी दोस्त के साथ आया हूँ झांसी, तो वो भरवा रहा है पेट्रोल गाड़ी में, तो बस वो आता है तो चलते हैं यहाँ से। BKD चौराहे पे गाइस अभी हम लोगों के लिए जाना है BKD चौराहा, तो अब चलते हैं वहाँ पे और एक मीटिंग है तो वो अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ पे चलते हैं अपन। गाइस अब पहुँच चुके हैं झील चौराहा पे, ये है झांसी का झील चौराहा। अभी झील चौराहा क्रॉस कर रहे हैं, लाइट साइड जाना है हम लोगों के लिए, तो अब लाइट साइड पहुंचते हैं, वो आपको फिर बताते हैं लाइट चौराहा। गाइस ये पहुंच गए हम लोग लाइट झांसी के लाइट चौराहा पे और अभी जाना है जीवनसा चौराहा, तो इस साइड से सीधे जाएंगे तो जीवनसा चौराहा। ये है रेलवे स्टेशन की रास्ता और वो रही बस स्टैंड जाने के लिए, तो अभी फ्लाइट फिलहाल चलते हैं अभी जीवनसा चौराहा की साइड। ये पहुंच गए जीवनसा चौराहा पे, अब यहाँ से सीधे जाएंगे BKD चौराहा के लिए। ये फाइनली पहुंच गए BKD चौराहा, ये है BKD कॉलेज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। अब यहाँ से चलना है सीधे, अभी जो घुमाओ हाँ चल, हम लोगों के लिए जाना है सीधे साइड ग्वालियर रोड पे, तो अब चलते हैं ग्वालियर रोड पे। सीधे ही चलना है, ये देखिए झांसी का रोड कितना गजब का है। यहाँ पे थी दोस्त की मीटिंग, तो मीटिंग अटेंड कर ली, मीटिंग हो भी गई। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। यहाँ पे एक बैग मिला है, बैग में हेलमेट भी है, दोस्त के काम से आए थे और यहाँ पे जाएंगे। आज का दिन मीटिंग ही मीटिंग में निकल गया पूरा। गाइस अब निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं झांसी थोड़े काम से, थोड़ा एक और काम निपटाएंगे फिर इसके बाद ललितपुर की ओर रवाना होंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ मानिक चौक, अभी फिलहाल मैं झांसी के मानिक चौक में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। गाइस जैसे कि आपने देखा मानिक चौक आए थे, अब यहाँ का काम हो गया पूरा, अब यहाँ से चलते हैं लाइट पर खाएंगे बर्गर वंदना स्वीट, और लाइट पे खाएंगे बर्गर, मेरी फेवरेट जगह वंदना स्वीट पर, तो अब आपके लिए दिखाते हैं और चलते हैं वंदना स्वीट पर अपना बर्गर खाने। अभी मैं फिलहाल में हूँ रानी महल है उसके अभी पीछे वाले रोड पे हूँ, अभी फिर किसी दिन आएंगे। देखो अभी फिलहाल में मैं आपको रानी महल दिखा दूँ, ये पे क्या पता कौन सा चौराहा है, मुझे खुद नहीं पता। गाइस ये रहा रानी महल, पीछे से मैं दिखा दूँ, किसी फिर किसी और दिन आऊँगा तब आपके लिए दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं लाइट वंदना स्वीट पर।
बहुत एक्साइटमेंट है बर्गर की। आज 4-5 महीने बाद खा रहा हूँ मैं। कम से कम 2 बर्गर को तो खाऊंगा। गाइस ये है एलाइट चौराहा और ये रहा वंदना स्वीट। ये रहा वंदना स्वीट, यहाँ पे खाएंगे बर्गर 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 बर्गर। भैया खाना है, खाना है, बिना प्याज वाला है। थैंक यू ब्रो। गाइस बर्गर खा के निकल तो आए, अब निकलना है ललितपुर के लिए। तो यहाँ का मौसम हो गया है बेकार, क्योंकि तो पानी गिर रहा है, तो अभी कम पानी गिर रहा है तो इस वजह से निकल रहे हैं। ललितपुर देखिए कहाँ पे आपको मिलते हैं, चलिए अपना ललितपुर के लिए सफ़र शुरू करते हैं। गाइस जेल चौराहा क्रॉस कर रहे हैं और अभी समय हो गया है 6:30। सो गाइस 6:30 पे अब यहाँ से निकल रहे हैं झांसी से, अब देखते हैं ललितपुर कितने बजे पहुँचते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 6:33। तो गाइस अब यहाँ से जेल चौराहे से निकलते हैं ललितपुर के लिए और बस अभी जल्दी से जल्दी ललितपुर पहुँचते हैं। वैसे समथिंग 8:30 तक पहुँच जाएंगे या 9 बज जाएंगे कहो, अच्छे से जाएंगे तो। तो चलो अपना सफ़र शुरू करते हैं ललितपुर के लिए। गाइस जे आ चुके हैं हम बबीना टोल टैक्स। ये है बबीना टोल टैक्स। गाइस अभी पहुंच चुके हैं बबीना टोल टैक्स पे और यहाँ पे थोड़ा सा अब रेस्ट लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं ललितपुर की ओर। सो ये रहा बबीना टोल टैक्स। यहाँ से ललितपुर 80 किलोमीटर रेस्ट करने के बाद अब यहाँ से चलते हैं गाइस। चलो ब्रो, चलो मेरी जान। गाइस फाइनली निकल चुके हैं बबीना टोल टैक्स। अभी समय हो रहा है, मैं बता दूं आपके लिए, समय हो रहा है अभी 8:01। अब देखते हैं ललितपुर कितने बजे पहुंचते हैं। गाइस मैं आपके लिए बता दूं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो आप आसमान में, बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम। देखते हैं अब कब पहुँचते हैं ललितपुर। गाइस अभी ललितपुर 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, मौसम बेकार है। यहाँ पे रुको एक ढाबे पे चले ब्रो। चलो अब यहाँ से ललितपुर तक गाड़ी मैं चलाऊंगा। सो अब बैठते हैं सीट पर, चलो सफर शुरू करते हैं, मिलते हैं अब ललितपुर में सीधे और कहीं पर ही मिलेगी अब। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं ललितपुर, अब जा रहा हूं घर पे। अभी फिलहाल मैं हूं रास्ते में, मोहल्लों की सड़कों पे घूम रहा हूं दोस्त के साथ। जा रहा हूं अपने घर पे, तो चलते हैं घर पे और ब्लैक ब्लॉक को एंड करते हैं रास्ते में। गाइस फाइनली पहुंच गया हूं मैं घर के बाहर, दोस्त आया है छोड़ने, उसी के साथ आया हूं। देखिए रहा दोस्त,
सो गाइस बस इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस अभी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ मैं, सो जैसी भी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।